और सकारात्मक बैठक थी। मुख्य रूप से तीन मदों के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार के तरफ से पैसे आ रहे हैं, ECRP पैकेज, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के नाम से, PM अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, और 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की है। ये तीनों की प्रगति के संदर्भ में बैठक थी और छत्तीसगढ़ को इसमें और काफ़ी कुछ करना बाकी है। CGMSE को काफ़ी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, अब उनको जल्दी से जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके और काम करना है। इसमें बैठक में ये भी बातें आई कि अगर वर्ष के अंदर का कोटा आप पूरा कर लेते हैं काम का, तो आप अगले वर्ष की भी राशि को मांग सकते हैं। तो इसमें अब देरी छत्तीसगढ़ की ओर से नहीं होनी चाहिए। कोई राज अब ये नहीं कह सकता कि फंड की कमी है। ये जो राशि हमारे पास है, CGMSE को काम और चुस्त करना पड़ेगा। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप सब जानते हैं और सबको जानना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित सीटें होती हैं। ये नहीं है कि जो आए उसको भर्ती आपने कर लिया। और वो सीटें कौन देता है? वो NMC अब नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया है, पहले मेडिकल काउंसिल था। वो जितनी सीट की अनुमति देते हैं उतनी ही सीट स्टूडेंट्स की आप ले सकते हैं, और उतने ही डॉक्टर जो वहाँ से पास होंगे उनको ही रजिस्ट्रेशन मिल सकता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। तो आपका ये राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो 100 की सीट मिली है अब 200 भर्ती कर लो। यूक्रेन के बच्चों की ही बात नहीं है, अगर केंद्र सरकार ने आपको 100 सीट दी रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए, तो राज्य सरकार चाहे तो 100 और भर्ती कर लो। ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो मापदंड बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से और NMC के माध्यम से, ये स्वायत्त एक संस्था रहती है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल अब जो काम कर रही है वो जितने सीटों की अनुमति देती है उतने ही सर्टिफिकेट आप डॉक्टरों के दे सकते हो। उसमें से जो पास हुए, 100 की सीट है 90 पास हुए तो 90 को सर्टिफिकेट मिलेगा। 100 की सीट है आपने 200 भर्ती कर लिए तो आप 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते सर्टिफिकेट। मैंने लिखा है, अभी भी लिखा है जी, मैंने उनको भी लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा है, उसको साझा नहीं किया है क्योंकि वो सीनियर ओहदे के होते हैं। उनसे भी यही निवेदन किया है कि इनके लिए संज्ञान में लेके अलग अलग साल के बच्चों को अगर आप जोड़ेंगे तो उतनी संख्या नहीं होगी। मान लीजिए 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों को एक साथ आप भर्ती लीजिएगा तो एक ही बैच में 500 बच्चे आ जाएंगे आपको लगेगा। लेकिन 500 बच्चे, 100 बच्चे अलग अलग बैच के हैं, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है, फिफ्थ ईयर का है, तो अलग अलग कॉलेजेस में आपको 100-100 ही बांटने हैं, 500 नहीं, तो उतनी भी संख्या नहीं होगी। उसका इन विशेष परिस्थिति में भारत सरकार को पहल करके NMC से अनुमति दिलानी चाहिए। अश्विनी वैष्णव से आपने पत्र लिखा रेल पे लेकर, लगातार देखने को मिला पैसेंजर ट्रेनें में जो है कमी आ रही है, बहुत लेट चल रही हैं पैसेंजर ट्रेनें। और जब भी रेलवे विभाग के अधिकारियों से मैंने बात की तो अनौपचारिक रूप से उनने यही कहा कि हमारे को ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई ये कोयले को आपको प्राथमिकता देनी है। तो उस पर मैंने यही कहा है कि हर कोयला उपयोग करने वाली जो फैक्ट्री है उसके पास कम से कम 5-7 दिन का स्टॉक रहता है। पैसेंजर ट्रेन को आप 4 घंटे लेट कर रहे हो, उसके बदले अगर कोयले की मालगाड़ी अगर 4 घंटे लेट जाएगी तो किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये जीने मरने का सवाल फैक्ट्री का नहीं है कि 1 मिनट लेट पहुंची ट्रेन तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हर फैक्ट्री के पास स्टॉक रहता है और वो स्टॉक आप मेंटेन करते जाओ, 4 घंटे से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। और पैसेंजर जो हैं उनका पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो जाता है, उनकी यात्रा प्रभावित हो जाती है। 4-4, 6-6 घंटे लेट चल रही हैं ट्रेनें, बीच में तो ट्रेन ही बंद कर दी थी। तो चलिए कोई ऐसा कारण था आपने ट्रेन बंद कर दी, वो आपका निर्णय था, पर अब जब आपने ट्रेन चालू कर दी है तो पैसेंजर ट्रेनें समय पर चलनी चाहिए
और लेट अगर होता है, 4 घंटा लेट होना है, तो वो मालगाड़ी 4 घंटा लेट हो। सर एक सवाल है, आप अंबिकापुर गए वीरभद्र सिंह के परिवार से मिले, क्या कुछ अभी तक जांच आगे पहुंचा है, लोग जानना चाहते हैं? जांच अभी राज्य सरकार के माध्यम से जो जांच चल रही है, उसमें मैंने SP बिलासपुर से भी बात की, उन्होंने DYSP को जिनको तैनात किया है उनसे भी बात की, जो जानकारियाँ मेरे पास थी मैंने उनसे साझा की कि परिवार ऐसा कह रहा है, ऐसी बातें हैं। पहले मोबाइल बात नहीं हो रहा था, मोबाइल भी मिल गया, मोबाइल का CDR जो रहता है वो भी उपलब्ध है। इन सब के माध्यम से एक बात और लोगों ने मुझे बताया कि ये तकनीक उपलब्ध है, मैं इस बाबत SP बिलासपुर से भी बात करूँगा, ये तकनीक उपलब्ध है कि जिस जगह हादसा हुआ अर्थात बोगी के दरवाजे के पास, उसमें मोबाइल वहाँ पर आसपास कौन सा था, ये ट्रेस किया जा सकता है। या कोई भी व्यक्ति, मैं आप कोई भी अगर व्यक्ति हैं, अगर वो अकेले थे या कोई मोबाइल ट्रेस उस समय नहीं होता है तो यानी वहाँ कोई नहीं था, तो कोई और हादसे की बात नहीं है, फिर वो व्यक्तिगत एक्सीडेंट हो गया, पाँव फिसल गया या उन्होंने खुद किसी दबाव में कुछ कर लिया, वहाँ तक बात सीमित रहती है। लेकिन उसके आसपास उस समय घटना के समय कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी ट्रेस होता है तो उसको भी देखना चाहिए, और परिवार ने जो भावना मुझे व्यक्त की थी वो मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। सूखे बड़े की स्थिति अब तक सुधार नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत तरीके से प्रस्तुत होता है। देखिए जीवन और मरण एक ये प्राकृतिक ऐसी प्रक्रिया है, इसको आप कुछ भी कर लीजिए रोक नहीं सकते, पर इसमें सुधार ला सकते हैं कि नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस कथन से, क्योंकि काफ़ी परिवर्तन आया, पूरी बीमारी खत्म हो गई वो हो नहीं सकता ऐसा, वहाँ पर कोई तत्व ऐसा है जिस कारण से लोगों को बीमारी हो रही है। पहले पानी से माना गया था, पानी का भी जो तेल नदी से पानी उठाने का PHE विभाग ने पहले निर्णय लिया था वो स्थगित हो गया उस कारण से कि जल जीवन मिशन आ गया, तो जल जीवन मिशन जिसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगना है, हिस्सेदारी है, और स्वायत्त शासी संस्थाओं की भी हिस्सेदारी है, राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है, तो उस माध्यम से इस योजना को चलाया जाना है। अब जाके उसका टेंडर हुआ है, तो पानी में जो शुद्ध पानी हर नल के माध्यम से हर घर को मिलना था, उसमें विलंब जरूर हुआ है। अभी जो जानकारी दी गई उसमें देश में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है बूस्टर डोज में, सेकंड हिमाचल, मुझे MD साहब ने बताया कि हिमाचल पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। लेकिन आपका सवाल एकदम जायज है कि ओवरऑल परसेंटेज हमारा बहुत कम है, देश का ही पूरा कम है, देश का ही परसेंटेज 17 के आसपास है, पहले 8% था अभी 17% हुआ है। लोग वो रुचि नहीं या जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं कि आके वो डोज लगा, निशुल्क मिल रहा है, अब उसमें गति आई है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, तो हम लोग अपने तरफ से उनको सजग ही करा सकते हैं कि आप इसको लगा लीजिए। आज की बैठक में एक और इस संदर्भ में मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा इस सवाल के लिए, एक और जानकारी दी गई है कि कोर्बीवैक्स की जो वैक्सीन है जो पहले बच्चों को लग रही थी, इसका प्रमाणीकरण हो गया है, और जिन्होंने सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली है वो कोर्बीवैक्स भी लगा सकते हैं, और ये काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो अब बूस्टर डोज के लिए बूस्टर डोज भी आप लें, आपने कोविशील्ड लगाई हो तो कोविशील्ड भी लगा सकते हैं, अर्थात कोवीवैक्स भी लगा सकते हैं। अब कोविशील्ड वाले कोवैक्सीन नहीं, लेकिन कोविशील्ड वाले कोविशील्ड या कोर्बीवैक्स, कोवैक्सीन वाले कोवैक्सीन लगा लें या कोर्बीवैक्स लगा लें। तो ये कोर्बीवैक्स की जो मंजूरी अभी 4 दिन पहले मिली है, इसका भी लाभ, क्योंकि इसको कारगर माना जा रहा है, जो आपने ली है वैक्सीन तो वो ले ही सकते हैं, वरना कोर्बीवैक्स का एक और ऑप्शन खुल गया है।